अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग किस तरह से बेस बना सकते हैं, वो भी घर पे। पार्लर जैसा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। मैंने पहले आप लोगों के साथ मैक की बेस का रिव्यू शेयर किया हुआ है। मैं इस वाली बेस की बात कर रही हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास है ये वाली दो। मैं इन्हीं दोनों का ही ऑलरेडी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। बट उस टाइम पे जो है मैंने आप लोगों को हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखाया था, क्योंकि हैंड पे ज्यादा इजी हो जाता है अच्छी तरह से समझाना। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को फेस के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा दूँ, और जो आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह थे उनका आंसर भी साथ के साथ करूंगी, और मैं आप लोगों को फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखा देती हूँ अब। ओके, तो जब भी आप लोगों ने फाउंडेशन अप्लाई करना है, बेस अप्लाई करनी है, तो एक ही बात अपने माइंड में रखना है कि आपकी जो स्किन है, फेस है, वो जो सरफेस है उसको क्लीन होना बहुत जरूरी है। एक्सफोलिएट हुआ हुआ हो या क्लींजिंग हुई हो भी लाजमी है, ठीक है। स्किन की प्रिपरेशन अगर आप लोगों की अच्छी होगी तो ही आगे जाके आपका मेकअप अच्छा होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, बहुत स्मूथ लुकिंग भी आएगी। और अब जो है मैं अपना फेस पहले से ही वॉश करके बैठी हूँ, मीन्स मैंने इसको क्लीन कर लिया है। मैंने यूज किया है सेरावे का फॉर्मिंग क्लींजर, इसकी हेल्प से मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ठीक है। मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्लींजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, मॉइस्चराइज करना है। आप लोग कोई भी मॉइस्चराइजर ले लें, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा है एंड ड्राई स्किन के लिए कौन सा है, सर्दियों में कौन सा यूज करना चाहिए एंड गर्मियों में कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। आप लोग वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। अब जो है मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये सिंपल का ये हाइड्रेटर, ठीक है। इसको मैं बहुत ही लेस अमाउंट में लगाऊंगी, क्योंकि इसके बाद जो है मैं सीरम भी अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। ये हम लोग इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है वाटर बेस। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो ये बहुत ज्यादा सूट करेगा, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है ये। इसको अच्छी तरह से हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो मेरे जो है अंडर आईज और ये जो माउथ एरिया है ये बहुत ज्यादा ड्राई है, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी। ओके, अब जो है मैं फेस ऑयल के लिए लेने लगी हूँ, ये है ऑर्डिनरी का ऑर्गेनिक प्रेस्ड रोज हिप सीड ऑयल, ठीक है। इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, बट ये बहुत लेस अमाउंट में मैं इसको यूज करूंगी। 2-3 ड्रॉप्स जो है वो काफी रहेंगी मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मुझे जो है कोई भी ऑयल हो गया या ऑयल बेस्ड सीरम हो गए वो इतने ज्यादा सूट नहीं करते, ठीक है। देखिए मैंने बहुत लेस अमाउंट में लिया है एंड मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। जो ज्यादा ऑयली एरिया है वहां पे इसको हम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, खाली एक ही मॉइस्चराइजर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विंटर्स के लिए मैं अप्लाई करना बता रही हूँ, इसलिए जो है ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो उन्होंने इस तरह से वो करना है। पहले आप लोगों ने कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लेनी है, उसके बाद ऑयल बेस्ड सीरम ले लेना है। ओके, तो अब हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप जो है बेस का, अब हमारी स्किन प्रिपेयर हो गई है, हमने स्किन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो यह है कि हम लोगों ने इस तरह की स्टिक ले लेनी है। ये मेरे पास जो है यह है क्रायलोन की स्टिक, एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है FS45, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि आपका कौन सा शेड है। तो ये FS45 है, ठीक है। ये अंदर से कुछ इस टाइप का है। अच्छा, जो ओरिजिनल होगा ना उसकी निशानी ये होगी कि यहाँ पे साइड पे हमें सारा जो है ऑयल आया हुआ होगा, चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो। गर्मियों में तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इजीली अप्लाई हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है इसके साइडों में ऑयल आया हुआ होगा, ठीक है। वो जो है हमारी ओरिजिनल होगी स्टिक। इसको मैं अब अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। अब देखिए हमारी जो है स्किन अच्छी तरह से प्रिपेयर थी, मैंने उसको जो है अच्छी तरह से हाइड्रेट किया था। अब ये बहुत इजीली अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वरना इसको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक पे भी लाजमी अप्लाई करेंगे। ओके,
ओके ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लगा लिया। अब आप लोगों ने ले लेने हैं इस तरह के स्पंज जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इस स्पंज को हल्का हल्का सा हमने गीला कर लेना है। इसमें से जितना भी एक्सेस वाटर है उसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें जितनी अमाउंट में है ये हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसकी हद से मैं ब्लेंड करूंगी। ओके, तो अभी इसको जो है क्रेलॉन की स्टिक को मैंने अच्छी तरह से ये देखिए ब्लेंड कर लिया है। ये जो है टोटल इसने मुझे कवरेज दे दी है, मुझे इतनी कवरेज काफ़ी है क्योंकि इसके ऊपर मैं ये मैक की वाटर बेस जो है बेस ये वाली जो है मैं अप्लाई करूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा नीट है, क्लीन है, स्कार्स नहीं है, एक्नी नहीं है, स्मूथ है, बस आप जो है अपनी स्किन को इवन टोन करने के लिए मींस हाइपर पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए हल्का हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं या ऊपर जो है मेकअप वो करना चाहते हैं, जिस तरह इवेंट्स वगैरह पे हम लोग जाते हैं तो उसके लिए प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग खाली इसी स्टिक के साथ भी काम चला सकते हैं। तो ये बात जो है स्टिक आप लोगों ने अप्लाई कर ली, स्किन को प्रिपेयर किया, स्टिक अप्लाई की, इसके ऊपर हम लोग फेस पाउडर अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। हमारा जो है यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों की एक्नी स्कार्स हैं, एक्नी है उसको हाइड करनी है, डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको हाइड करने के लिए हम लोग ये नेक्स्ट ये अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग ब्राइडल बेस भी कह सकते हैं, हैवी बेस भी कह सकते हैं, और जो है हम लोग नाइट टाइम में पार्टीज वगैरह पे इसको अप्लाई करेंगे। ये आराम से आप लोगों की अगर आप लोग इसी मेथड से अप्लाई करेंगे फाउंडेशन 4-5 घंटे बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, ना ही लॉफ लाइन्स बनेंगी, ना ही यहाँ पे फाइन लाइन्स रिंकल्स वगैरह में ये जो है क्रैक होगी, बहुत ही अच्छे तरीके स्मूथ ये वाली जो है आप लोगों की बेस। ओके, इसमें जो है मेरा शेड ये है 45। ठीक है, ये इसका कुछ इस तरह का है कलर, एंड इसके ऊपर हम लोग हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और उसको जो है ब्रश की हद से मैं अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे पानी ले लेती हूँ। ठीक है, हल्का सा हम लोगों ने थोड़ा सा लेना है पानी को और फिर ब्रश की हद से इसको यहीं पे ही हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, पानी के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है सेपरेट किसी भी बॉल वगैरह में भी इस बेस को बना सकते हैं, क्योंकि अगर 2-3 लोगों ने अप्लाई करनी हो तो बेहतर यही होगा कि सेपरेट बना लें। अगर आप लोग सिंगल पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो इसी के ऊपर ही आप लोग कर सकते हैं। इसको अब हम लोगों ने थिक कर लेना है। ये आप देखें पानी जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। स्पंज लेंगे एंड इसकी हद से ब्लेंड करेंगे। ये जो है दिखने में इस तरह से हैवी लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा सा पेंट नुमा सा अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे ही ब्लेंड होगा इसका ये हमारा जो स्पंज है ये एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस अमाउंट में, और जितनी अमाउंट मेरे फेस को जरूरत होगी ना वो मेरे फेस के ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। ओके, तो ब्लेंड करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लग रही है। हैवी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि मैंने बहुत सारी जो है चीजें अपने फेस पे लगाई हुई हैं। बहुत ही जो है नेचुरल मुझे अपने फेस पे लग रहा है। ठीक है, अब मैं बाकी का जो मेकअप वगैरह है वो करके आप लोगों को दिखाती हूँ।
ओके तो यहाँ पे जो है मैंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे बेस अप्लाई किए हुए और अब तकरीबन एक घंटे के बाद बेस कुछ इस टाइप की लग रही है। तो अब आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है उसके ऊपर भी ये इजीली जा सकती है, अगर आप लोग की ऑयली स्किन है उसका भी मैंने प्रॉपर मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है कि इसको हम लोग किन स्टेप्स के साथ फॉलो करेंगे और हमारी जो बेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा अब जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आता है कि क्या हम लोग ये वाली जो वाटर बेस है किसी भी ब्रांड की ये सेम नंबर लेना चाहिए जो कि हमारे स्टिक का नंबर है। तो अगर आप लोग सेम ले लें तो भी वो ठीक है, आप लोगों की बेस बहुत अच्छी बनेगी अगर वो आप लोगों का स्किन टोन है तो ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने दोनों 45 नंबर यूज़ किए हैं और वो जो है मेरी अच्छा जो है स्किन के साथ मैच किया है। अगर आप लोगों के पास ये वाली डार्क कलर में है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि स्टिक का कलर जो है वो थोड़ा लाइट ले लें। अगर स्टिक थोड़ी डार्क में आ गई है तो अपनी बेस का ये जो कलर है वाटर बेस वाली उसका जो है आप लोग लाइट टोन ले लें ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप लोग अपनी फाउंडेशन को खुद ही जो है बना सकते हैं। फिर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ज़्यादा स्टिक लगा लें ये कम लगा लें उस हिसाब से आप लोग मैनेज करके अपना स्किन टोन बना लेंगे और वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, मैं अपना जो है नाम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ठीक है। वहां पे भी आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लेना है। अगर आप लोग वहां मुझसे पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।